Karakari food recipes, India's most trending cooking channel. Don't forget to subscribe the channel and tap the bell icon for latest recipes videos notifications. Welcome to Karakari food recipes. आज हम बनाएंगे एक थाई क्यूजाइन जिसका नाम है पड थाई नूडल्स। तो इसके लिए मैंने रियल का पड थाई नूडल्स लिया है। ये राइस स्टिक है, मतलब चावल का होता है, और मैंने इसके साथ रियल का ही मैंने थाई फिश सॉस लिया है। यहाँ पे मैंने डार्क सोया सॉस लिया है, कुछ यहाँ पे पीनट्स लिया है, मैंने एक अंडा लिया है। ये बासा फिश है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए प्रॉन्स मिल नहीं रहा है। आप इसके जगह पे प्रॉन्स का भी यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है, बोनलेस है, ये स्वाद अनुसार चाहिए मुझे नमक। थोड़ा सा अनियन मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ा सा मैंने पनीर लिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, तीन चार मैंने मिर्च को ऐसे काट लिया है, और यहाँ पे मैंने नींबू लिया है। तो चलिए पहले जो मेरा ये थाई नूडल्स है इसको मैं बॉयल कर लेती हूँ। अभी मैंने एक बाउल में पानी चढ़ा दिया है यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा मैं एक स्पून जितना मैंने ऑयल डाल दिया है। अभी इसमें मैं मेरा जो नूडल्स है वो डाल दूंगी। तो अभी मैंने ये जो राइस नूडल्स है वो ले लिया है, और इसको मैं अभी ऐसे तोड़ के बीच में से डाल दूंगी। तो मैंने इसको अभी डाल दिया है, इसको अभी मैं इसको बॉयल कर लूंगी अच्छे से, थोड़ा सा मतलब ये जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। जब तक मेरा नूडल्स बॉयल हो रहा है तब तक मैं एक सॉस बना के तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं नींबू जो है लिया था मैंने वो मैं निचोड़ लूंगी। मैं पहले एक नींबू को निचोड़ूंगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक नींबू निचोड़ लिया है। अभी यहाँ पे मैं सोया सॉस जो है वो डालूंगी। मैं करीब डार्क सोया सॉस है एक स्पून डालूंगी, और थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, और इसमें जाएगा अभी ये जो मेरा फिश सॉस है ये भी मैं करीब 2 या 3 टेबलस्पून के करीब डालूंगी। यही मेन होता है, इसके अलावा इसमें टेस्ट नहीं आएगा। मैंने 3 टेबलस्पून ये डाल दिया। अभी सारे चीज़ों को मैं मिला लूँगी और इसको मैं साइड में रख दूँगी। तो ये जो मैंने बॉयल करने के लिए दिया था ये ऑलमोस्ट पक चुका है, और इसको आप ऐसे चम्मच की मदद से काट के देख सकते हो। ये अगर बीच में से ऐसे इजीली कट जाए तो इसका मतलब ये पक चुका है, जैसे कि मेरा ये पक चुका है। अभी मैं इसको एक छन्नी में निकाल लूंगी और गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। अभी मैंने एक पैन लिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरा फिश, चिकन, पनीर और एग जो है वो मतलब डालना है, तो इसको पहले फ्राई करना होगा। तो मेरे पास प्रॉन नहीं है, फिश है, तो मैं इसको फिश को फ्राई करूंगी। अभी आपके पास प्रॉन्स होगा तो प्रॉन्स को आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो इसको धीमी आंच में धीरे धीरे इसको फ्राई करना है, और इसमें जाएगा 1/2 स्पून करीब नमक। तो मैं इसको अभी फ्राई कर लेती हूँ।
मैंने सारे चीजें जो है वो फ्राई कर लिया है। अभी लास्ट में मैंने चिकन फ्राई किया है, तो इसको मैं अभी निकाल लेती हूँ। मेरा चिकन, पनीर, फिश और ये एग जो है मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से। अभी इस टाइम पे मैं पैन में जितना ऑयल है उतना मतलब रहने दिया, और ऊपर से मैं इसमें यूज करूंगी ऑलिव ऑयल। तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज करूंगी और इसमें मैं यूज करूंगी कटा हुआ प्याज, लहसुन और जो मेरा हरी मिर्च था, और इसको अच्छे से मैं पकाऊंगी। थोड़ा सा ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊंगी, पूरा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए तब तक हमें ब्राउन करना पकाना है इसको। तो मैंने इसको अभी फ्राई कर लिया है थोड़ा बहुत। अभी इसमें डालूंगी मैं जो मैंने फ्राई किया था, एक एक करके मैं डाल दूंगी। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं अंडा, जाएगा मेरा फिश, पनीर और चिकन। आप फिश जो है प्रॉन्स हो तो बहुत अच्छा है, प्रॉन्स नहीं है तो आप ऐसा, अगर ऐसा फिश यूज करना चाहते हो तो आप नदी के फिश यूज मत कीजिएगा। आप ऐसे बासा या फिर चूरमा, ये दो फिश में से किसी फिश का यूज कीजिएगा तो खाने में अच्छा रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी मिला लूंगी। मैंने इसको 30 से 40 सेकंड के लिए पका लिया है, मतलब मिक्स कर लिया है जो मैंने प्याज लहसुन भुना था उसके साथ। अभी मैं इसमें जो मेरा बॉईल किया हुआ नूडल्स है वो मैं डाल दूंगी। और इसको अच्छे से मिला लूंगी। इसको मैंने अभी थोड़ी देर मिला लिया है। अभी मैं इसमें जाने दूंगा थोड़ा सा नमक, आधा टेबल स्पून या फिर स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो, और इसको थोड़ा सा मैं मिला लूंगी। और इस टाइम पे मैंने जो पीनट्स लिया था वो मैं डाल दूंगी। पीनट्स को क्रश करके भी डाल सकते हो, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। और अभी लास्ट में मैंने जो सॉस बनाया था वो मैं डाल दूंगी। गैस के फ्लेम को धीमी रखिएगा और अच्छे से मिला लूंगी। तो ये सब चीजें मैंने अच्छे से मिला लिया है। इस टाइम में आप नमक भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपके स्वाद अनुसार आप डाल दीजिएगा। इस टाइम पे मैं मेरा गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और ये मेरा पूरा बनके तैयार है। तो इसको अभी मैं एक प्लेटिंग कर लेती हूँ इसका। तो मेरा ये थाई क्यूजाइन पर थाई नूडल्स जो है वो बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप जैसे कि देख सकते हो, और इसके ऊपर आप स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर सकते हो। आप अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे मिला नहीं है, आपके पास हो तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा। आप जब इसको गैस के फ्लेम को बंद करेंगे तब इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिएगा। वैसे ये बहुत ही अच्छा एक रेसिपी है, आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे चैनल की जो अपलोड्स है नया वो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आएगा। साथ ही साथ अगर रेसिपी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।